अब तक आपने देखा भाई इस खुशी के मौके पर बस ये मारी तो एक ही तमन्ना से कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी तरह ही 30 साल तक अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें। तमाची, आपने भी नाच गा के महफिल में रंग तो जमा नहीं पड़ेगा। गल मिठी मिठी बोल, दस कानों बीच बोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू ही डोल। अब आगे माँ बस बहुत हो गया, छोड़ दो। माँ सुबह से शाम तक लेकर काम करते हो, अभी फिर चूल्हे के आगे बैठ के अपना कलेजा जला रहे हो। माँ आप क्यों नहीं समझते, आप लोग को बिठा के नौकरानी बना के रखा हुआ है भाभी ने। अभी सही टाइम आ गया भाई को फोन करके बताने का कि भाभी का इस घर में क्या व्यवहार है। अरे छोरे सुन, अरे छोड़ना शंकर को ना, यो सब मामलों में मत घसीट। अरे माँ भाई को भी तो पता लगे कि भाभी इस घर में कैसे व्यवहार कर रही है, क्या चल रहा है इस घर में। सुबह से शाम तक काम कर रहे हो आप। रुक जाओ मुझे फोन कर। हेलो भाई, आप भाभी को समझाते क्यों नहीं हो कि क्या व्यवहार लगा रखा है घर में। अरे सुबह से शाम तक लेकर माँ अकेले काम कर रही है, भाभी तो घर पर है। दिमाग ना खराब कर, टाइम ना हमारे पास ये सब फालतू बातों के लिए। क्या हुआ छोरे, अचानक यो थारी बोलती कि बंद हो गए। हाँ भाई ने फोन काट दी, बोला कि घर के फालतू उस मामलों में ना मेरे को मत घसीट, उनके पास घर गृहस्थी की फालतू बातों के लिए टाइम नहीं। गल मिठी मिठी बोल, दस कानों बीच बोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू ही डोल, मन दे ना ना तू रसोई में मिठाई बना के रखी है, जा सबके लिए लेके आ। हाँ मैम। छोरे। हाँ माँ। यो दो अलग अलग पतीले में खिचड़ी क्यों बना रहे ऐसे? माँ इस वाले पतीले में ना अपने लिए, आपके लिए और लट्टू के लिए बनाई है, और इसमें भैया और बापी के लिए। कुछ फायदा ना होने वाला, जबरदस्ती पत्थर से सिर ना मार। अरे माँ, अरे माँ यही तो आप समझते नहीं हो, सीधे साधे लोगों के साथ सबसे ज्यादा मनमानी होती है। आप इतनी सीधी हो, आपकी सादगी की वजह से ना भाभी आपका इतना नजायज फायदा उठाती है, अपनी मनमानी करती है। जब तक दीदी थी आपके साथ खड़ी हो जाती थी, भाभी को मनमानी नहीं करने देती थी, पर जब से दीदी गई है भाभी अपनी मनमानी और क्या हालात कर दिए इस घर के आपको भी दिख रहा है। अब इसमें तो मेरे को आपका साथ देना ही पड़ेगा ना।
क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी तरह ही 30 साल अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें। फेफड़े बाहर निकल जाएंगे, संभाल लिये जरा। लाओ दिखाओ मन्ने। ओहो, हरियाणा का आयरन मैन सन 2016। मालकिन, इन वर्षों पुरानी मेडलों का क्या करना है? इब के करना है रामू, 2016 का मेडल 2041 में पेपर वेट के काम भी ना आएगा, है ना? अरे वैसे भी आपको कुश्ती लड़े हुए तो बहुत साल बीत गए, 25 साल तो हुए होंगे ना। एक काम कर रहा हूँ, इसने ना कबाड़ खाने में बेच दे। और सुन, मोल भाव अच्छा आना चाहिए, कम से कम 2 पैसे तो आने ही चाहिए इसके, समझे? जी ठीक से। ले जी, आपकी फेवरेट मिठाई है, मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए, खाइए ना। लो जी लक्की जी, मिठाई खाइए ना। अगले 30 साल तो क्या, तेरे साथ ना मैं एक पल भी नहीं बिता सकता, और तुझे कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी बर्बाद करने का और यूं उजाड़ने का। सुनिए तो सही, अभी मैंने जरा भी बीच बचाव करने की कोशिश भी की ना तो यो सब के सब मारे पे चढ़ जाएंगे और यो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना मना करा था ना कि किसी काम के हाथ ना लगाइए, बस आराम ही करिए। अच्छा खासा जश्न चल रहा था पर इसने चैन की तो सारा काम बिगाड़ दिया। एक जरूरत थी मिठाई लेने की, मने बता। इसी बहू लाए हम इस घर में, कोई सुख चैन ते नहीं रहेगा इब। चलो खुशबू तो बढ़िया आ रही है। वाह, यो तो माँ जी ने बहुत बढ़िया काम किया, खिचड़ी बना दी। हमारे को तो बड़ी भूख लगी है। अरे भाभी रुक जाओ, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? अरे आपका देवर आपको खाना खिलाएगा, है? अब बैठो आराम से। लो, मैं खिलाता हूँ आपको, बैठो। अरे मारे तो भाग ही खुल गए, सास ने खाना बना दिया, देवर परोस के दे रहा है। इब खाने के बाद कोई मारे पैर भी दबा देना तो मजा आ जाए। अरे भाभी आप ही तो कहती हो कि आप हमारी प्यारी भाभी हो, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप यो खिचड़ी खाओ, इसके बाद मैं आपके पैर भी दबा दूंगा। हे भोलेनाथ, मैं कोई सपना तो ना देख रही?
माँ जी खिचड़ी तो आप घनी बढ़िया बना लिया करती थी, आज कहाँ ध्यान चला गया आपका? आपने पता चल गया कि मैं खाने वाली हूँ और आपकी माँ ने कुछ ना सिखाया आपको? अरे भाभी वो क्या है ना कि आज खिचड़ी मारी माँ ने नहीं मैंने बनाई है। तू कब से आने लगा रसोई में है? और तेरी पढ़ाई पे ना बहुत खर्चा करते हैं हम, उसी पे ध्यान दे, आगे चल के चूल्हा चोखा करना है के? अरे भाभी जरूरत तो पड़नी थी, आप तो घर पे रहते नहीं हो तो मैंने ही बना दी खिचड़ी। के कहना चाहे तू? कहना तो यो चाहता हूँ ना मैं भाभी कि आप मारी माँ से ना काम ना कराया करो, अपने काम आप खुद कराया करो। मारी माँ इस उम्र में भी बाल्टियाँ उठाती रहती है और आप बाहर घूमते रहते हो। ये गलत कर दिया मैंने? थोड़ा काम करती रहेंगी इस उम्र में, हाथ पैर हिलते रहेंगे तो सेहत बनी रहेगी उनकी, कुछ गलत ना किया मैंने? अरे भाभी आपको भी इतना पता होना चाहिए कि मारी माँ की उम्र क्या है, उनको आराम की जरूरत है या नहीं है, है? खुद तो आप बाहर घूमते रहते हो और बेचारी इस उम्र में मारी माँ सारा काम करती है और पानी की बाल्टियाँ उठाती है वो अलग। कौन है मारे से इस लहजे में बात करने वाला है? दो पानी की बाल्टियां उठाने के लिए बोल दिया तो नहीं इतना बुरा लग रहा है? जा गांव में घूम के देख ले इनकी उम्र की औरतों के साथ बहुएं क्या कर रहे हैं, और फिर देख मने मारी माँ के संस्कार है जो मैं इनको इतना इज्जत देती हूँ, इतनी सेवा करो इनकी। मैं पापी रहने दो, मने भी दिखता है कितनी सेवा करो आप हमारी माँ की, और इस उम्र में कितने ऐश और कितने आराम भोग रही है हमारी माँ। वरदान बस फिर वरदान बात को और मत पढ़ा। तू अपनी उम्र ना भूल और यो ना भूल कि कहाँ खड़ा है और किससे बात कर रहा है। मैं तेरी सारी बात सुन रही हूँ, इसका मतलब यो ना है कि तू जो तेरी जबान में बोलता जाएगा और मैं सुनती रहूंगी। औकात क्या है तेरी? सारे पैसे तू अपने भाई से लेता है और तेरी सारी सेवा मैं करती हूँ, तू मने मारे फर्ज सिखाने लगा है? जिस दिन तू इस घर से पैसे लेने के बजाय देने लगेगा ना, उस दिन मैं थारी बात सुनूंगी, और तब तक बड़ों के बीच में टांग अड़ाने की जरूरत ना है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और यो नजरी ऊंची करके ना अरे से बात ना करियो। हे भगवान, कौन सी गलती हो गई थी मेरे से कि जन्म का बदला ले रहे हो? रोज रोज अपने बेटे को यूं दुखी होते देखना पड़ रहा है मेरे को, और मैं कुछ भी ना कर पा रही हूँ उसके लिए। अगर आपने ना मुझे उस दिन थोड़ी हिम्मत दी होती ना तो यूं ब्याह मैं होने से रोक देती। जो सब लोग बोलते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं ना मानती ये सब बात। ये बात बताओ ये जो कोमल से ब्याह हुआ इसमें कौन सी अच्छी बात होगी मेरे बेटे के लिए? कौन सा सुख मिल गया उसको? उससे शादी के बाद ना वो हंसता है, ना वो खाता है, ना पीता है, ना मेरे से बोलता है, दिन भर दुखी रहता है बस। अगर आप कुछ ना कर पा रहे ना, मन नहीं कुछ करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके ये बड़ों को मैं अपने बेटे के जीवन से बाहर निकालूंगी और उसकी सारी खुशियां वापस लेके आऊंगी। आई राम जू यू घर पे बड़ों को लिखाड़ने में सफल होगी तो मेरे तो करे कराई पे पानी फिर जाएगा, यो तो मैं ना उन्हें दूंगी। इब इस आग ने जितना जल्दी हो सका बुझाऊंगी, यो ही अच्छा रहेगा। मालती मुझे बेरा है तेरे साथ जो हुआ अच्छा ना हुआ, पर नू खड़े हो गए की फायदा है यहाँ कमरे में? भाभी अब मेरे से ना देखा जा रहा। की ना देखा जा रहा? मेरा बेटा कितने दुखी है भाभी, ये कोमल ने उसका जीना हराम कर रखा है। ये आपने देखा ना वो फंक्शन में सब लोग कितने अच्छे से नाच रहे थे, गा रहे थे, कितने खुश थे, और मेरा लाखा इतना दुखी था बेचारा। और उसे दुखी देखकर भी मैं कुछ ना कर पा रही हूँ, सबसे बड़ा दुख तो यो है। हाँ मालती मेरे तेरे दुख दर्द न समझू हूँ, जानू
पर इबनू खड़े खड़े रोने से कमरे में की फायदा होगा? मने बता, कोई फायदा नहीं होगा ना। और जब तेरी आंखा में नू आंसू भरे हुए लखा दिखेगा तो उसने कितना दुख होगा रे। तू नू चावे है कि तेरा छोरा तने दुखी देख के और दुखी हो जा। ना भाभी, यो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। चल तो यो पानी पी ले, यो पानी धरा, यो पी ले। अरे तू बड़ों की चिंता ना कर, उससे मैं बात करूंगी। हाँ, और उससे कह दूंगी लखा के इधर की तरफ भी ना घूम जाइए। बात ठीक हो जाएगी सारी। पक्का भाभी, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तो फिकर ना कर। अब क्या कर रहे हो मेरे साथ भगवान? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती रहती है, मने कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सॉरी गलत सा, इस घर में जो भी काम करने जाती सो वो सब बिगड़ जाता सा। कुछ तो अच्छा सोचा होगा आपने मेरे लिए, कोई तो अच्छा रास्ता दिखाओ। इब तो कोशिश मन ने सब कर ली और मैंने हार भी मान ली सर। इब आप भी मन ने कोई रास्ता दिखाओ कि लक्की जी को मना लूं मैं। इब के गलत कर दिया मन ने माँ जी। इब तो मैंने समझ भी नहीं आता कि मैंने के गलती की और कब। अगर जाने अनजाने में मेरे से कुछ हो गया तो मने माफ कर दो। इब चुप हो जा, नहीं तो फिर गलती कर बैठेगी। तेरे दुखड़े सुनने ना आई हूं मैं। और ये आंसू आंसू बहाना बंद कर। और इब सब के सब जानते, मेरी बात सुनो। नो समझ लो के सिर सा धन्य हो जाएगा इस खबर ने सुन। और हम तो बड़ी किस्मत वाले हैं जो घूंघट वाली माता यहाँ सिरसा में आ रही है हम सब ने अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो इसी बात पे मैंने यो सोचा है, खुशी का मौका भी है तो दोनों बहू को घूंघट वाली का आशीर्वाद दर्शन कराने लेके जाएंगे। और तने तो बेरा ही है मालती के घूंघट वाली माता के दर्शन किस्मत वालों को हो है। और वो याद है कि मालती सुनीता कौन? मारी पड़ोसन ना, तने बेरा ना। अच्छा, उसका घराला है ना, घराला रोज लड़ाई झगड़े ये वो, ये भगवान पता नहीं क्या क्या होवे था उनके घर। अब उनने क्या करा, जिब ते यो घूंघट वाली माता के दर्शन करे ना, अरे उसकी तो दुनिया ही बदल गई। इब दोनों पति पत्नी बड़े राजी रहे हैं, खुश, ना लड़ाई ना झगड़ा। इसीलिए मैंने भी सोच लिया दोनों बहू को लेके जाऊंगी माता के दर्शन कराने। और फिर हाथ जोड़ के यो विनती करूंगी कि माता रानी इन दोनों ने इस आशीर्वाद दे कि ये हमेशा खुश रहे और राजी रहे अगले जन्म तक। सब के सब मरे लखा के पीछे पड़े हैं, हर एक जन्म ना कट पा रहा इस कोमल के साथ। ये सात जन्मों तक क्यों बांध रहे हैं इसे? ना, मैं ना होने दूंगी। ये सात जन्मों का चक्कर खत्म करके रहूंगी। नाना भाभी, बड़ों कैसे जा सकती है? रसोई में इतने काम पड़े हैं, सारे इसी को निपटाने हैं, ये ना जा पाएगी। माँ जी के हुक्म के बिना तो मैं नहीं जा सकती। कुछ तो करना पड़ेगा। इब सब कुछ पटरी पे लाने के लिए घूंघट वाली माता के आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए, कैसे भी। ये घूंघट वाली माता, इब आप ही कुछ चमत्कार दिखाओ। प्रणाम, माता जी की जय हो। घूंघट वाली माता ने संदेशा भिजवाया है कि वो अहलावत परिवार की सभी बहुओं से मिलना चाहती है और वो सभी बहुओं को अपना आशीर्वाद देना चाहती है, इसलिए उनसे मिलने सारी बहुएं आइएगा। देख ले मालती,
लेकिन चाह के भी हम टाल नहीं कर सकते। माता का बुलावा आया है। सही कह रहे हो भाभी, जब माता रानी ने खुद बुलाया है तो फिर कोमल को भी चलना ही पड़ेगा। अभी जा, जल्दी जाके सारे काम निपटा। अच्छा सुन, अच्छी तरह से तैयार होके चलियो। ठीक सर। बिल्कुल सही टाइम पर आपने मेरी सुन ली और घूंघट वाली माता को मेरी मदद करने को भेज दिया। मैंने पूरा यकीन से कि माता जी के आशीर्वाद मिलते ही मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे और लक्की जी को मनाने में मैं कामयाब हो जाऊंगी।